सभी मित्रों को नमस्कार। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, किरण देशपांडे जी और श्रुति राबूत जी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत। मित्रों नमस्कार। नमस्कार। पिता पुत्री की यह जोड़ी आज हम सबसे कई ऐसी चीजें साझा करेंगी जिन्हें सुनकर हमें काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये दोनों किरण जी और श्रुति राउत जी लंबे समय तक, 2 दशक से अधिक समय तक शाह साहब के पड़ोसी रहे हैं, भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी में। बड़ा निकट का और पारिवारिक संबंध रहा। किरण जी की बेटी श्रुति जी तो शाह जी की दूसरी बेटी राजुला जी के साथ ही एक तरह से काफी समय बिताया करती थीं। दोनों हम उम्र भी रहीं। ऐसे में रमेश चंद्र शाह जैसे एक सर्जक व्यक्तित्व के पीछे जो उनका एक पारिवारिक मनुष्य है, उससे जुड़े कई संस्मरण आज हम इन दोनों से सुनेंगे। आप में से कई लोग जानते होंगे पंडित किरण देशपांडे जी, मशहूर तबला वादक हैं और भोपाल में कंठ संगीत के प्रोफेसर रहे हैं, और श्रुति राउत जी अमेरिका के ग्लोबल बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एक महत्वपूर्ण पद पर हैं। मगर कला के साथ, संगीत के साथ ये वहां भी गहरे जुड़ी हुई हैं। ध्रुपद की तालीम इन्होंने, श्रुति जी ने, भोपाल में ही सीखी, ली डागर साहब से, और इन दिनों न्यू जर्सी में भी विवेकानंद विद्यापीठ में अमूमन रविवार को बच्चों को संगीत भी सिखाती है। तो मित्रों, जिस तरह से इन दोनों का एक कलात्मक रुझान रहा है, आज उसकी भी झलकियां हम देखेंगे। स्वयं रमेश चंद्र शाह जी भी संगीत के एक गहरे शौकीन रहे हैं, कई बैठकें वहां उनके यहाँ हुआ करती थीं। स्वयं भी वे कई ललित कलाओं में रुचि रखते हैं। और देखिए, श्रुति राउत जी ने जो अपना एक परिचय जैसा कुछ रखा है फेसबुक पर, वह भी कितना महत्वपूर्ण है। मैं इन्हीं के शब्दों को यहां पर रखता हूं। श्रुति जी अपने लिए लिख रही हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव विथ एन एस्थेटिक अर्ज टू एक्सप्रेस इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो ऐसी क्रिएटिविटी से, इस तरह की सृजनात्मक ऊर्जा से भरे पूरे हैं ये दोनों पिता पुत्री की जोड़ी। तो आइए मित्रों, सर्वप्रथम हम किरण देशपांडे जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने उन दिनों में चलें, और स्मृतियों के कोष से ऐसी कई चीजें होंगी, ऐसे कई पल होंगे, ऐसी कई घटनाएं होंगी जो वे साझा करेंगे और जिन्हें सुनना हमें भी रुचकर लगेगा। किरण जी, स्वागत। नमस्ते अर्पण जी। और पहले तो मैं मेरे बड़े भाई जैसे डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जी को नमन करता हूँ और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उनके 50वें जन्मदिन 85वीं। मेरी भाषा को आप क्षमा करेंगे क्योंकि मातृभाषा नहीं है, पर लेकिन आपने उनकी उम्र कम कर दी। यह कहीं ना आपने कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। आपने कहा है ना कि वो तो लाखों साल जिएंगे और लाखों जी साल उनका जी जी सृजन वो का खुद कवि कह रहा है अपनी कविता में, और जी, देखिए उसका एक प्रमाण कि अभी इसलिए आपने उनकी उम्र इतनी कम कर दी। जी 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 तो पहले तो ये है कि मैं बहुत बड़ा साहित्यिक भी नहीं हूं, ना मैं आलोचक हूं,
उनकी साहित्यिक जो सृजनात्मकता है, उनका जो साहित्यिक योगदान है, उसके बारे में तो कुछ कहने का मैं बहुत अधिकारी नहीं हूँ। और एक सामान्य व्यक्ति को एक जिज्ञासा हरदम होती है कि कोई बहुत प्रतिष्ठित, बहुत लोकप्रिय और बहुत माना हुआ यदि व्यक्तित्व है तो उसकी जो सर्वसाधारण बातें हैं कि कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, तो ये जो जिज्ञासा होती है बहुत एक सामान्य व्यक्ति की, तो उसके प्रति मैं जरूर बोल सकता हूँ थोड़ा, क्योंकि हम लगभग 22 साल हम लोग बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर जिसको कहते हैं ऐसे रहे हैं, तो कुछ उस बारे में जरूर मैं कह सकता हूँ। ऐसा कहते हैं कि पड़ोसी को चुनना अपने हाथ में नहीं रहता, जैसे माता पिता को भी चुनना अपने हाथ में नहीं रहता, वैसे पड़ोसी को चुनना अपने हाथ में नहीं रहता। विशेषता जब आप सरकारी कर्मचारी हों और कहाँ रहना है, कौन सा आवास आपको आमंत्रित होगा, ये आपके हाथ में नहीं होता है, वो तो सरकारी हाथों में होता है। तो और भोपाल जैसे शहर जहाँ सरकारी कर्मचारियों की संख्या ही ज़्यादा है, तो ऐसे इसमें आवासीय भवनों का अभाव ये किसी से छुपी बात नहीं है, बहुत कर्मचारी ज़्यादा हैं और आवास कम है। तो ऐसे स्थिति में मैं सन 1979 के मई में मैं भोपाल आया और असिस्टेंट प्रोफेसर था, क्लास टू गैजेटेड ऑफिसर था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बड़ा तोफ हूँ, जाते ही साथ मुझे मकान मिल जाएगा सरकारी और मैं ठाट के साथ उसमें चला जाऊंगा। वहाँ यहाँ आने के बाद देखा कि मैं भी लाइन में हूँ, मैं कोई तोफ नहीं हूँ राजपत्रित अधिकारी, तो लाइन में लगा हूँ और जब आवास मुझे आवंटित होगा तभी होगा। तो लगभग एक साल भर में अरेरा कॉलोनी में किराए के मकान में रहा और उसके बाद कहीं जाके मुझे प्रोफेसर्स कॉलोनी में एक भवन आवंटित हुआ, इसकी सूचना मुझे मिली। वो कागज लेके वो मैं वहां पहुंचा तो 2/3 प्रोफेसर्स कॉलोनी मुझे आवंटित किया गया था। मैं वहाँ प्रोफेसर्स कॉलोनी का जो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस था वहाँ गया और उनको बताया कि मुझे आवंटित हुआ है, चलिए मुझे दिखाइए, उसको खोलिए, मैं अपना सामान रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो 2/3 तो वहाँ ऑलरेडी एक प्रोफेसर रहते हैं, प्रोफेसर कुमरा, तो आपको कैसे आवंटित हो सकता है, तो गलत है। तो मैं बड़ा मायूस हो गया कि एक साल रुकने के बाद भी जब मुझे मकान आवंटित हुआ वो भी गलत, तो वहाँ ऑलरेडी वो पोजीशन में है किसी के। तो फिर मैं फिर वहाँ पहुँचा आपदा संचालन संपदा संचालनालय में और वहाँ उनको मैंने वो कागज़ दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अरे वो शायद टाइपिंग की गलती हुई है और आपको 3/3 आवंटित हुआ है। अब ये सौभाग्य ही कहिए कि यदि 2/3 मुझे आवंटित हुआ होता तो शाह साहब का मैं पड़ोसी होने से वंचित हो जाता। तो मुझे 3/3 जब मिला, शाह साहब का जो था नंबर वो 3/2 था, मुझे 3/3 मिला था, तो हम बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर हो गए। तो इस तरह से मैं शाह साहब का पड़ोसी चुन लिया गया। मैं कुछ ऐसे आवास थे कि जो UGC के ग्रांट से बने हुए थे और खास कर प्रोफेसर लोगों के लिए होते थे, तो मैं वहाँ अपना सामान वामान रखने के बाद, तब तक तो मैंने भोपाल में आया था और मैं शाह साहब को नाम से जानता था, उनका व्यक्तिगत परिचय नहीं हुआ था, पर उनके नाम की आभा ऐसी थी कि जिससे मैं परिचित हो गया था।
मैं वहां जाने के बाद 2-3 दिन तो मुझे सामान वामान रखने के लिए लग गए, और उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन के बाद उनसे मिला, और जब मिला तो ऐसा लगा कि शायद पता नहीं कि कितने सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि इतने सहज, इतने आत्मीय और इतने साधारण जैसे दिखने वाले, इतने बड़े आदमी पर इतने साधारण दिखने वाले, तो उन्होंने तत्काल मुझे अपना मित्र बना लिया, छोटे भाई जैसे बना लिया, और इस तरह से हम उनके साथ रहने लगे। उसका उस समय शाह साहब की बिटिया दोनों, शंपा और राजूला, जिसको हम टीकू कक्कू कहते थे, तो वो दोनों छोटी थी, और मेरा बेटा सुप्रीत और श्रुति, ये दोनों, ये लोग भी छोटे थे, तो ये लोग उनकी लोग के लोगों की बड़ी घनी दोस्ती हो गई, और मेरी पत्नी कुमुद और ज्योत्सना जी की भी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। इतना ही नहीं, शाह साहब की माँ जी थी उस समय, वहाँ कुछ दिनों के लिए आती थी, तो मेरी माँ भी होती थी, तो उन दोनों की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो इस तरह से हम लोगों का बड़ा पारिवारिक स्नेह का एक वातावरण रहा। अच्छी बात ये थी कि मैं कभी कभी सुबह उठ के और अपना 5-6 बजे रियाज करने के लिए, तबले का रियाज करने के लिए, गाना के रियाज खर्च करने के लिए, मैं सुबह सुबह अपना संगीत का रियाज करता था, तो शाह साहब का संगीत प्रेम इतना अच्छा था कि उन्होंने कभी भी इसके ऊपर आपत्ति नहीं उठाई, बल्कि स्नेह ही बताया। एक बार तो उन्होंने मुझे कहा भी था कि किरण जी, आप सुबह सुबह जो रियाज करते हैं ना, हमको बड़ा आनंद आता है। मैंने उनको कहा कि आपको तो कष्ट होता होगा, क्योंकि आप तो देर रात तक पढ़ते रहते हैं, फिर सुबह सुबह मेरे संगीत से आपको तकलीफ होती होगी। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा मत सोचिए, आपका संगीत तो बड़ा अच्छा लगता है सुबह। तो इस तरह से बड़े अच्छे तरह से उन्होंने हमको अपना लिया था। शाह साहब के वो प्रोफेसर कॉलोनी के जो मकान हुआ करते थे हम लोगों के, वो 2 बेडरूम के हुआ करते थे, और लोकेशन बहुत अच्छा है प्रोफेसर कॉलोनी का, तालाब के पास है, रविंद्र भवन के पास है, और शाह साहब के उस 2 बेडरूम वाले घर में भारत की बड़ी बड़ी विख्यात हस्तियां बड़े आत्मीयता के साथ यहाँ आकर उनके घर में रुकती थी। निर्मल वर्मा जी कहिए, यशदेव शैल्य जी कहिए, मुकुंद लाठ जी कहिए, या मलेश कहिए, बहुत सारे बड़े, कितने नाम गिनाऊं, ऐसे लोग उनके यहाँ आके और काफी दिन तक ज्योत्सना जी का जो उदार आतिथ्य था उसका आनंद लेते थे और उनके यहाँ रहते थे, और उनकी बड़ी गंभीर गहन चर्चाएं होती थी, और बड़ा आनंद होता था। आगे जी भी आते थे वहां और रुकते थे। तो तब टीवी नया नया था, एक मैं संस्मरण सुना रहा हूँ आपको, तब टीवी नया नया आया हुआ था, और शाह साहब बहुत उत्साह में, टीवी के प्रति उनका बड़ा उत्साह नहीं था, इसलिए उन्होंने टीवी खरीदा नहीं था। तो मैंने जोश में एक ब्लैक एंड व्हाइट डायनोरा नामक कंपनी का एक टीवी मैंने खरीद लिया था, और भारत पाकिस्तान का एक क्रिकेट मैच चल रहा था। अचानक मेरे दरवाजे की घंटी बजी, मैंने दरवाजा खोला तो सामने भव्य व्यक्तित्व के धनी अज्ञेय जी। मैंने नम्रता पूर्वक उन्हें अंदर आने के लिए कहा, तो उन्होंने बड़े संकोच के साथ अपने आने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि वो टीवी पर क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा साहित्यिक और उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट, मुझे आनंद भी हुआ। मैंने बड़े नम्रता के साथ उनको घर में बुलाया, और हाँ, वो लगभग घंटा 1.5 घंटा मेरे यहाँ बैठे, और लंच तक का उन्होंने मैच देखा। तो ये मेरा सौभाग्य ही था कि उनके जैसा बड़ा व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व मेरे घर पे पधारे वो, और इतने देर तक बैठे। शाह साहब को दूसरा एक संस्मरण ये है कि शाह साहब को पढ़ना का इतना शौक कि लगभग उनकी आँख
पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी उसके उस कारण के कारण कुछ कमजोर हो गई, और खासकर प्राचीन साहित्य, संस्कृत, उर्दू, गुजराती साहित्य को मूल रूप में पढ़ने का उनका जो शौक है, उन भाषाओं का भी उन्होंने अध्ययन कर डाला। पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा तमाकू सुबारी खाने को का भी उनका शौक था, तो कभी कभार जब तमाकू खत्म हो जाती थी तो वे मेरे दरवाजे के ऊपर दस्तक देते थे। उन्हें मालूम था कि मेरे ससुर दादा गुले साहब उनके वो मेरे यहाँ अक्सर आते थे मेरे ससुर, और उनको भी तमाकू सुपारी का शौक था, इसलिए मैं एक अपने यहाँ तमाकू और सुपारी, तमाकू और चूना वगैरह बना के रखता था कि वो जब आएंगे तब उनके लिए वो उपलब्ध हो। तो शाहसाहब को ये मालूम था, तो जब कभी तमाकू खत्म हो जाती थी तो शाहसाहब आके कहते थे, किरण जी जरा तमाकू खिलाइए, मुझे मालूम है आपके यहाँ जरूर होगा। तो इस तरह से शाह साहब मेरे यहाँ कभी कभी तमाकू के अभाव में मेरे पधारते थे। इतने ग्रंथों का, प्राचीन ग्रंथों का संदर्भ अपने जिह्वाग्र पे रखने वाले शाह साहब अपने विचारों में इतना खोए रहते थे, और कि कभी कभी उनको सामने उपस्थित व्यक्ति के नाम का विस्मरण हो जाता था। एक बार ऐसे ही हुआ, शाह साहब के यहाँ कोई बड़े आदमी आए हुए थे और उनके साथ बड़ा विचार गंभीर गंभीर विचार विमर्श हो रहा था। उतने में पता नहीं मैं अपनी धुन में उनके यहाँ पहुंच गया। मैं पहुंचा तो उन्होंने ये सोचा कि अब इनका परिचय अतिथि से किया करवाना जरूरी है, एक सामान्य प्रथा है। तो उन्होंने कहा कि यज्ञदेव जी, ये यशदेव जी, ये अपने और मेरा नाम भूल गए। तो फिर उनकी जो मैंने वो ये देखी, उन परिस्थिति देखी, तो मैंने कहा कि मैं किरण देशपांडे। किरण जी बताइए क्या ये है, मैं बिल्कुल भूल गया। तो ये किरण जी हैं, हमारे पड़ोसी हैं और म्यूजिक के प्रोफेसर हैं। तो इस तरह से विस्मरण भी उनका कभी कभी हो जाता था, क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोए हुए रहते थे। तो ये खास बात है। और शाह साहब का संगीत के प्रति बहुत प्रेम था। कई बार हम भारत भवन में संगीत की सभाओं में साथ साथ बैठते थे, और मैंने उनको बिल्कुल संगीत सभाओं में डूब कर संगीत सुनते हुए देखा है। और वो संगीत की सभा सुनने के बाद वो ज्यादा बोलते नहीं थे, वो ये नहीं कहते थे कि आज का समय ऐसा हुआ और वैसा हुआ, संगीत का कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ वगैरह। वो बड़े बड़े चुपचाप रहते थे, और फिर मैंने वो मन में उनके संगीत भरा हुआ रहता था। उन्होंने खूब सुना भी हुआ था, और शायद मैं गलत ना हूँ, उनके पिताजी सितार भी बजाते थे, और शायद शाह साहब भी सितार बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, और गाते तो थे ही शायद। एक आध बार वो होली के समय में कुछ होरिया वगैरह भी सुनाई थी उन्होंने। तो मेरे यहाँ भी कभी कभी कुछ संगीतकार आके रुकते थे, बुधादित्य मुखर्जी हुए, मालिनी जी हुई, या राजा भाऊ कोकजे हुए, और उनकी छोटी छोटी महफिलें घर में मेरे यहाँ बड़ी घरेलू बैठक हुआ करती थी, और शाह साहब उसका बड़ा आनंद लेते थे। तो ऐसे कई संस्मरण है। शाह साहब की एक बात और मुझे याद है कि उनके यहाँ बहुत सारे साहित्यकार हिंदुस्तान भर के जो होते थे, वो अपनी कथाएं और अपने निबंध, अपनी कविताएं उनके यहाँ पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट से भेजते थे। और शाह साहब को इतना ये होता था, क्या कहना चाहिए, वो रुकते नहीं थे, वो खुद इम्पेशेंट थे कि वो चले जाते थे पोस्ट ऑफिस में, और पोस्टमैन की
राह नहीं देखते थे और खुद जाके, और रोज उनका ये होता था कि वो पोस्टमैन आने के पहले ही पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते थे और अपनी जितनी सामग्री होती थी वो खुद ही लेके आते थे। तो ये हम लोगों को बड़ा मजेदार लगता था कि शाह साहब को इतना अपने ये आकर्षण था अपने आने वाले सामग्री का कि वो पढ़ने के लिए बस और लिखने के लिए वो इतना ये करते थे। ये छोटे छोटे संस्मरण है। शाह साहब कभी अपने पोशाक के प्रति भी कभी बहुत सतर्क नहीं रहते थे। वो सब सर्वसाधारण कभी कभी तो छोटा सा रूमाल उनके खीसे में से लटकता हुआ रहता था और वैसे ही चले जाते थे। तो ये कुछ तो शाह साहब के प्रति मैं क्या कहूँ, इतना मुझे आदर है उनके प्रति, क्योंकि अभी अमेरिका में जब आ रहा था मैं, तो आने के पहले मैं विशेष रूप से उनके चरण स्पर्श करने के लिए उनके घर गया था और उन्होंने आशीर्वाद दिए थे। इतना ही मैं कहना चाहता था। बाबा ने आपको पहले बताया कि हम लोग सब साथ कैसे आए, तो हम अक्सर कहते हैं कि 3/3 और 3/2 प्रोफेसर्स कॉलोनी के बीच एक अलग ही दुनिया बस गई थी। और हम राजुला, जिसको राजुला कहने में मुझे कई बार बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि मैं तो उसे कक्कू ही कहती हूँ, हम दोनों हमेशा इन दोनों घरों के बीच में एक सीढ़ियां चढ़ के जो जगह थी वहां हम लोग अपना घर बनाते थे। वहां हमने पता नहीं कितना वक्त गुजारा है। पर जैसे बाबा ने आपको बताया कि जब हम प्रोफेसर्स कॉलोनी पहुंचे, मुझे माँ बाबा ने बताया कि वहाँ एक एक्चुअली जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी भी एक छोटी बेटी है, तो तुम्हारी हम उम्र ही है, तो वो मेरे लिए बहुत एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि अरे वाह, मेरे को मतलब वहाँ कोई खेलने के लिए होगा और मेरी उम्र कुछ 5-6 साल होगी। तो हम जब वहाँ प्रोफेसर्स कॉलोनी में पहुंचे और पहली बार जब मुझे जो ऐसा याद है शाह अंकल की एक इमेज जो मेरे दिमाग में सबसे पुरानी है, वो ये कि वो अपने मेज पर बैठे हुए हैं अंदर के कमरे में और पर्दा लगा रहता था दरवाजे पर, और वो मेज पर बैठे हुए हमेशा कुछ लिखते पढ़ते रहते थे और साथ में एक चारपाई थी। और एक अपने आप जैसे बच्चों को पता पड़ जाता है कि एक घर का एक डिसिप्लिन होता है। तो मैं भी कक्कू के साथ जब वहां घर में जाती थी तो एक समझ में आ गया था कि भैया यहाँ शाह अंकल पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ ऐसे ही जा नहीं सकते, आपको जरा संभल के जाना चाहिए और शांत रहना चाहिए यहाँ, एकदम जोर से आवाज नहीं करें क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। तो ऐसी मेरी इमेज हमेशा शुरुआत से शाह अंकल की थी। और वो मतलब मेरे घर में मेरे पिताजी हमेशा बैठक में पाए जाते थे क्योंकि वो हमेशा तबला बजा रहे हैं या कोई ना कोई आ रहा है या संगीत सिखा रहे हैं, तो वो हमेशा एक बच्चे के लिए, लेकिन मेरे पिताजी नाम के जो प्राणी हैं वो बैठक में पाए जाते हैं और यहाँ जो है वो बैठक में नहीं पर अपने कमरे में मेज पर पढ़ रहे होते थे। तो ये एक मेरे दिमाग में हमेशा शाह अंकल का एक कॉन्ट्रास्ट था कि ऐसा। पर बाद में धीरे धीरे मुझे जब हम आपस में मिलते रहे और हमारी घनिष्ठता बढ़ती गई, तो हम दोनों घरों के बीच में जैसे हम कहते हैं कि रसोई एक रसोई घर से दूसरे रसोई घर तक का रास्ता पूरा खुला था। मैं कभी भी किसी भी वक्त मैं अपने घर से मैं सीधे 3/2 के रसोई घर में पहुंच सकती थी और सेम राजुला के लिए भी और घर के किसी भी सदस्य के लिए भी ऐसा ही था। तो ये दो घर हालांकि थे 3/2, 3/3, बट एक मिलजुल कर एक ही बड़ा परिवार था। आपको इसी चीज से याद आता है कि मैं जब स्कूल में हिंदी जब पढ़ना शुरू किया उसमें एक सहायक वाचन करके एक साथ में एक रैपिड रीडिंग एक होता था, उसमें मुझे बहुत गर्व हुआ जब मैंने वहां देखा कि शाह आंटी, ज्योत्सना आंटी और शाह अंकल की लिखी हुए निबंध उसमें थे। और मैं अपने स्कूल में बड़े गर्व के साथ बता रही थी कि मैं इनके पड़ोस में रहती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व था कि इतने बड़े लेखक जो जिनकी लिखे हुए निबंध हमको स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। तो तब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जो हमारे हम जिनके पड़ोसी बन गए हैं और जो ये हमारे लिए कितना बड़ा फॉर्चुनेट हमारा प्रिविलेज है। तो
इस वो धीरे धीरे समझने लगा। पर इसके साथ साथ ये भी था कि शाह अंकल एक बहुत बड़े साहित्यकार और उनका एक औरा था, पर हमारे लिए और मेरे लिए वो बहुत ही पिता स्वरूप थे। और मैं कक्कू को वो मुनिया बुलाते थे, और कई बार जैसे हम दोनों की हाइट भी एक जैसी होती थी तो मुझे भी मुनिया बुला लेते थे। तो हम लोगों का दोनों की हम लोग की जो खुरापाते होती रहती थी उसमें हमें शाह अंकल ने बचाया भी है कई बार। और उसका मैं आपको संस्मरण सुनाती हूँ, शायद राजुला को याद होगा या कि नहीं पता नहीं, पर हम लोग मेरे अंदाज से हम एक 8-10 वर्ष की उम्र रही होगी, और मेरे अंदाज से हमारी छुट्टी थी और हमारी स्कूल से छुट्टी थी, और हम लोग पता नहीं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे, या तो हम कुछ बना रहे होते थे या कुछ फाड़ रहे होते थे या कुछ मतलब कुछ ना कुछ खुरापाते हमारी चलती रहती थी। ऐसे में हम दोनों को लगा कि यार शाह आंटी जो है वो अनुसुईया के दफ्तर में थी, शंपाई घर पे नहीं थी, और सब लोग शाह अंकल भी कॉलेज से वापस नहीं आए थे। तो हम लोगों ने कहा हम अपने को जरा उपयोगी बनाते हैं तो कुछ कोशिश ऐसी करते हैं कि कुछ खाने का बना लेते हैं। और हमने देखा कि रसोई में दाल पकी हुई रखी थी, तो हमने सोचा कि यार ये अच्छा है कि हम इसको तड़का दे के हम सरप्राइज करेंगे कि भैया हमने कितना हम उपयोगी हुए हैं आज, और हमने कितने अच्छे से वो दाल पे तड़का दिया। और हम दोनों की वो कोशिश बहुत बुरी तरह नाकाम रही, और हमने वो जो उसकी छौंक थी वो उसमें राई की छौंक डाली और वो पूरी तरह जल गई। और अब हमें सूझे नहीं कि भाई हम करें क्या, अब तो बहुत बुरी तरह पकड़े जाने वाले थे और हमको डांट की पूरी अपेक्षा थी। पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी और के आने के पहले शाह अंकल कॉलेज से घर आ गए, और उन्होंने हमको बड़े ही सरलता से और सहजता से क्या हो गया, तो बोले नहीं हम वो दाल में छौंका वो ना जल गया। तो उन्होंने बड़े ही ऐसे कहा अच्छा चलो कोई नहीं देखते हैं उसको हम, मुझे आज तक पता नहीं कि जम्बू क्या होता है, बट उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हम जम्बू का तड़का लगा देंगे। और मैं और कक्कू ने एक दूसरे को एक तरफ देखा, मैं कहा बस ठीक है, हमारा जो डर था वो उस समय शांत हो गया। और उन्होंने हंसते हंसते वो दाल को के ऊपर का तड़का हटा के उस पर उसने फिर से छौंक शाह अंकल ने लगा दी, और हमारा उस तरह से उस दिन कहीं हम बच गए। पर उससे हमको मुझे याद है कि तब से मुझे याद है कि उन्हें दाल बहुत पसंद थी, और मेरी माँ की बनाई हुई दाल को तो वो कहते थे कि कुमुद जी की दाल का आतंक हमारे घर में रहता है क्योंकि घर में सभी को पसंद है। पर इस तरह से अंकल का अंकल को खाना बनाने का भी एक तरह से मैंने उनका स्वाद वो चख लिया था, और उस तरह से वो सहजता बहुत हमारे बीच अपने आप बन गई। एक बात और याद है मुझे कि रविवार को रामायण का धारावाहिक आता था, और धारावाहिक में लेकिन ना वैसे भी आप जैसे बाबा ने बताया कि उनको टेलीविजन पर देखने की कोई कोई खास ही नहीं थी, पर रामायण का वो धारावाहिक देखने आते थे। तो जब एक बार आए थे तो मुझे याद है वो जितनी तल्लीनता से देख रहे थे उस मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर बाद में मुझे मालूम हुआ कि शाह अंकल का रामायण के ऊपर काम इतना बड़ा है, और वो इतने उन्हें जिस गहराई से उसको समझा और उसके उनकी जो उनका काम है उसके बाद में मुझे पता पड़ा। साथ साथ लाइक हमारे यहाँ होली और दिवाली और इन सारे जो त्योहार हमारे थे सब साथ साथ मनाए जाते थे। हम लोग मैंने जैसे बताया कि एक रसोई घर से दूसरे घर रसोई घर में कोई आवाजाही चलती रहती थी। और एक खास था कि होली का दिन, होली के दिन हमारे यहाँ एक जैसे ट्रेडिशन बन गया था कि मिठाइयाँ सब साथ साथ बनती थी, कुछ मिठाइयाँ हमारे घर बनती थी कुछ शाह अंकल के, और वो साथ ही में सब लोग मिलके एक बड़ा सा परात या ट्रे बनके रखी रहती थी। आने जाने वाले जो लोग मिलने आते थे होली मिलने वो साथ ही चखते थे। और एक ट्रेडिशन ये बन गया था कि होली जब रंग वंग उतार के सब नहा धो के सब आराम से शाम को बैठे हैं, रात में हमारे यहाँ म्यूजिक की रिकॉर्डिंग सुनने का एक चलन बन गया था। तो और हम लोग उस दिन उस समय बाबा के पास जो एक LP रिकॉर्डर नहीं अकाई का एक स्पूल रिकॉर्ड प्लेयर था, उस पे वो पुराने जो रिकॉर्डिंग्स थे वो लगाकर हम सुनते थे, और हम दोनों ही परिवार साथ में बैठ के वो पुरानी रिकॉर्डिंग सुनना एक जैसे हम लोगों के लिए वो एक
हम लोग हमेशा लाइक होली के बाद वो करना, एक वो सुनना, साथ में सुनना, उसके बाद चर्चा करना, ये एक बहुत ही अच्छी स्मृति मेरे पास रखी है। और शंपाई का जन्मदिन 2 अप्रैल को आता है और मेरा 6 अप्रैल को, वो महावीर जयंती के दिन पैदा हुई थी और मैं हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा के दिन, तो हम दोनों का जन्मदिन आसपास होने की वजह से हम दोनों के जन्मदिन आसपास ही मनाए जाते थे। और ऐसे पता नहीं कितने सालों की वो स्मृतियां हैं जिसमें हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत ही बहुत एंजॉय किया। शाहअंकल की एक और मुझे बहुत याद है कि आई थिंक 11वीं कक्षा में होंगी मैं, और मुझे हिंदी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर कुछ लेख लिखना था और मुझे कुछ नहीं मालूम था। और तो बाबा ने कहा, अरे तुम शाह साहब से पूछो। अब शाह अंकल इतने बड़े साहित्यकार और मैं उनसे जाके क्या पूछूं, पर मुझे याद है कि उन्होंने बड़े बहुत ही प्रेम से मैं को एक छोटे से इसमें उनके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि मैं उनके बारे में क्या लिख सकती हूँ, और उन्होंने उनकी किताब भी दी। तो वो सहजता, वो अपनापन मुझे बहुत ही विविडली याद है। और ये भी याद है कि ना सिर्फ मुझे, मेरे भाई को भी उन्होंने एक बार उसको क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना था एक पोएम का, और वो शाहअंकल ने उसको इतने अच्छे से समझाया और इतना अच्छा हुआ कि जब वो स्कूल लेके गए अपना वो होमवर्क, तो वहां की टीचर ने कहा ये तुमने तो सवाल ही नहीं उठता कि तुमने इतने अच्छे से समझी होगी ये कविता। और फिर भैया ने बताया कि नहीं नहीं ये सिर्फ इसका कारण मैं नहीं, इसका कारण ये है कि हमारे पड़ोसी डॉक्टर रमेश चंद्र शायद जो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और उनकी उन्होंने समझाया, उन्होंने देखा, इसकी वजह से मैं लिख पाया हूँ। उस दौरान प्रोफेसर्स कॉलोनी में हमारे, हम लोग जब खेलते थे, ककू चित्रकारी करती थी और वो हमेशा जो चित्रकारी करती थी उसके साथ साथ मैं भी अपना कुछ रंग बिरंगे चीजें बनाने लगती थी। और ऐसे ही कुछ करते करते हम लोगों को मुझे याद है, मैंने हमारे घर के सामने एक आम का पेड़ हुआ करता था जिसपे छोटे छोटे आम लगते थे, और मैं और कक्कू हमेशा वो आम उठाने के ताक में रहते थे। और वहाँ जो एक निगरानी करने के लिए जो थी वो रोड़ी बाई, वो हमेशा कैसे ना कैसे करके हम लोगों को रोकने का प्रयत्न करती थी, प्रयास जारी रहता था उनका। और यही सारा अनुभव मैंने एक बार क्या मुझे सोचा कि मैंने एक कहानी में उसको लिख दिया, एक मेरी छोटी लाल डायरी में मैंने लिखा, और बड़े ही कक्कू ने पढ़ा वो और उसने कहा कि नहीं ये तो पापा को भी पढ़ाना चाहिए। तो हम बड़े मैंने उत्सुकता से वो अंकल को दिया और अंकल ने इतने अच्छे से उसको पढ़ा और साथ साथ बहुत एनकरेज किया कि यार श्रुति ये तो तुम बहुत अच्छा लिख रही हो, लिखो और आगे लिखो। पर मेरे अंदाज से मैं मुझे समझ में आ गया था कि मेरा शॉर्ट स्टोरी लिखने का जो उन्होंने एनकरेजमेंट किया ये सिर्फ उनके प्यार की वजह से, मेरे में इतनी ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी। पर उसके बाद मैंने फिर भी उनके कहने पर कुछ कुछ थोड़ा बहुत लिखती रही। कुछ कुछ चीजें जैसे बाबा ने बताया कि हम लोग रिकॉर्डिंग सुनते थे, हमारे घर मालिनी राजुरकर आती थी, जो थी वो आती थी, और उनके साथ कहीं बैठ के जब हुई तब शाह अंकल को अभी भी वो याद है, क्योंकि अभी अब मैं इतने सालों बाद जब कभी भी अमेरिका से वापस जाके घर पे मिलने जाती हूँ तो वो एक उनको हमेशा उनकी याद रहती है कि मालिनी जी आती थी और हम लोग साथ में बैठ कर गाना सुनते थे और बहुत इंजॉय करते थे। अभी भी वो जब मैं, मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैं घर गई थी तो शाह अंकल को पहले थोड़ा सा शायद हिचक होती है कि बड़ी हो गई है लड़की, अब इतने सालों बाद यहाँ आई है, पता नहीं अमेरिका में रह रही है, पता नहीं क्या हाव भाव बदल गए होंगे। पर जैसे ही मैं वहां पहुंची उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल वैसी ही है, इसमें तो कोई फर्क नहीं आया। और वो 2 सेकेंड में उन्होंने एकदम से अपना अपनापन बना लिया और बहुत ही सरलता के साथ उन्होंने फिर से वो क्रम जोड़ लिए। और हमेशा मुझसे कहते थे कि काम वाम करते वक्त तुम कुछ पढ़ती हो, कुछ पढ़ना लिखना चलता है तुम्हारा या तुम सिर्फ काम में लगी रहती हो। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई होती थी। उनको इस बात का बहुत गर्व था कि मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ, क्योंकि न्यू जर्सी से उनका नाता था, वहीं से उनका पीएचडी का थीसिस प्रकाशित हुआ था। तो वो इस बात का उनको बड़ा गर्व था कि ये
श्रुति न्यूजर्सी में रहती है जहां से मेरा थीसिस प्रकाशित हुआ था। उसके साथ साथ मुझे संगीत के शाह अंकल के मतलब कितने रमे हुए थे क्या, उसकी एक बहुत याद है कि जब हमारे बड़े उस्ताद गुजर गए तब भारत भवन में शोक सभा प्रार्थना सभा हुई थी उसके बाद, और शाह अंकल उसमें आए थे और मैं कॉलेज में, कॉलेज के शुरुआती दिन होंगे मेरे उस वक्त, और हम लोग सभी बहुत मायूस दुखी थे और शाह अंकल ने उस प्रार्थना सभा में इतने सहजता और इतने गंभीर सिचुएशन को बड़े अच्छे से हम स्टूडेंट्स को समझाया कि बड़े उस्ताद का जाना हम सबके लिए बहुत दुखदाई है, लेकिन उनका संगीत और उनका इतना विराट है कि उनके लिए शोक करना ये प्रासंगिक नहीं होगा। वो उनकी उनके संगीत को हमारे साथ रखना और वो हमारे आसपास ही रहेंगे, तो एक यू नो स्पिरिचुअल इतनी गहरी सोच को बहुत सिंपल शब्दों में इतने शोक सभा में इस तरह प्रस्तुत करना, ये मेरे लिए वो जो एक्सपीरियंस था उससे मुझे मालूम था कि शाह अंकल का संगीत के से जो जुड़ाव है, जो उनकी समझ है, वो एक आम श्रोता से कितनी बड़ी है। बाद में मैं आपको बताती हूँ कि अभी आपने जैसे अर्पण जी ने कहा कि मैं यहाँ विवेकानंद विद्यापीठ जो है वहाँ बच्चों को लाइक भजन और धुन और ये सब सिखाते हुए थोड़ा संगीत सिखाने का प्रयत्न करते हैं, तो एक बार यहाँ के एक कार्यक्रम में हमें बच्चों को कुछ सिखाना था, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये शाह अंकल ने बच्चों के लिए जो लिखी थी किताब गोलू के मामा, इसकी ये बहुत पुरानी प्रति जो मेरे को कक्कू ने बहुत संभाल के दी थी वो आज भी मेरे पास रखी हुई है, और इसमें की एक कविता है, बादल आसमान है आंगन जिसका, कमी उसे क्या खेल की, उस कविता को हमने संगीतबद्ध करके यहाँ बच्चों को सिखाया, और शब्द इतने आसान और सिंपल हैं, तो यहाँ भले ही उनको बच्चों को हिंदी नहीं आती थी तो मुझे समझाने के लिए बहुत इतना अच्छे से लिखा हुआ, इतनी अच्छे से उसका मीटर बैठा गाने के साथ, तो जब उन्हें वो सिखाया तो उन्होंने बच्चों ने, एक बच्चे ने बड़े ऐसे कहा कि अरे ये तो ही इज टॉकिंग अबाउट क्लाउड्स एंड ही इज टॉकिंग अबाउट मैजिक। बच्चे ने मेरे को आके बताया कि ये तो जो पोएट है वो सिर्फ अपने आप वो समझ गए कि ये तो एक जो विधाता है उसकी जादूगरी के बारे में है, और वो कविता जो है वो इतनी अच्छे से सबको याद है, मुझे तो मुंह जबानी याद है, पर ये जो हमेशा ही मैं गोलू के मामा जो बच्चों की कविता की किताब है वो हमेशा अपने पास रखती हूँ, और बहुत सारी यादें उनसे, उस कविता उससे जुड़ी हुई हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि शाह अंकल हमेशा अपनी मेज पे रहते थे और पढ़ते रहते थे, और हम लोग बड़े दबे पांव जाके बड़े चुपचाप अपनी खुरापाते करके वापस आते थे, ऐसे ही कई बार हम जब वहां जाएंगे। क्या उसका, क्या उसको कुछ गुनगुना लिया जाए श्रुति जी? जरूर कोशिश कर सकती हूँ। आसमान है आंगन जिसका, कमी उसे क्या खेल की, करे सवारी रोज हवा की, पड़ी उसे क्या रेल की। सो ऐसा है, अभी अब मुझे पूरा काफी लंबा है, पर उसका जो आप पुस्तक से ले ले, पुस्तक हाँ, को मुझे सूरज जिसका गड़ेरिया हो, क्या कहने उस भेड़ के, पानी के पत्ते हो जिसके, क्या कहने उस पेड़ के, आग और पानी का देखो कैसा प्यारा मेल है, आग और पानी का देखो कैसा प्यारा मेल है, कहाँ छुपा है जादूगर वो जिसका सारा खेल है, कहाँ छुपा है जादूगर वो जिसका सारा खेल है। ऐसी वो कविता है जो मेरे एक्चुअली यहाँ चाचा हैं, उन्होंने संगीतबद्ध की थी और हमने बच्चों को बच्चों के साथ गाई, वो बहुत मजा आया, और वो गोलू के मामा के ऐसी कई कविताएं हैं जो जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे बचपन की यादें उनमें ताजा हो जाती हैं, और उसमें से बस आप
मुझे यही कहना है कि शाह अंकल का इतना बड़ा व्यक्तित्व जो है और उन उसके पीछे एक बच्चे जैसी निरागसता, उन उसके जैसी सरलता और जो बच्चों में एक कौतूहल होता है, वो हमेशा हमेशा वो ही पर्सपेक्टिव उनका रहा है। और मैं बस आखिरी में उनकी एक कविता वही गोलू के मामा में से एक पढ़ के सुनाऊंगी। कमरे में थी मेज, मेज पर बाबा जमे हुए थे। कमरे में थी मेज, मेज पर बाबा जमे हुए थे। मोटी रखी थी किताब जिसमें वे रमे हुए थे। मोटी रखी थी किताब जिसमें वे रमे हुए थे। दबे पांव आ घुसा न जाने बबलू कप का अंदर। दबे पांव आ घुसा न जाने बबलू कप का अंदर। खिड़की पर झूल रहा था जैसे कोई बंदर। खिड़की पर झूल रहा था जैसे कोई बंदर। दिखा सड़क पर जाता उसको कुत्ते का एक पिल्ला। दिखा सड़क पर जाता उसको कुत्ते का एक पल्ला। कुत्ते का एक पल्ला, एक मिनट, हाँ मैं भूल गई हूँ। बबलू चिल्ला चिल्ला, काम नहीं करने देते तुम बबलू बिल्कुल हमको। मगन बुलाने लगा उसी को, बबलू चिल्ला चिल्ला, काम नहीं करने देते तुम बबलू बिल्कुल हमको। इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हो, मारेंगे हम तुमको। बबलू बोला, तो क्या बाबा धीरे से चिल्लाएं। बबलू बोला, तो क्या बाबा धीरे से चिल्लाएं। भौचक रहे मुंह ताकते क्या जवाब लौटाए। तो बस मैं अब यही कहना चाहूंगी कि शाह अंकल, आपको 85वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भी आप हमको इस तरह से भौचक्का करने वाले बहुत सारी यादें, बहुत सारे अनुभव देते रहें, और हम लोग हमेशा ही आपसे इसी तरह जुड़े रहें और बहुत सारे यादें बनाते रहें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति जी और किरण जी, आप लोगों को सुनकर सचमुच काफी आनंद आया। और कई लोग उन स्मृतियों में गए, शंपा जी, रमेश चंद्र शाह जी, सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शाह साहब की प्रतिक्रिया आ रही है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। रमेश चंद्र शाह जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वे लिख रहे हैं कि आप लोगों को सुनते हुए उसी जमाने में पहुंच गए। म्यूजिक की रिकॉर्डिंग सुनना होली पर कैसा अद्भुत अनुभव हुआ करता था, सब कुछ हू बहू याद हो उठा। रमेश चंद्र शाह जी, जी जी, और जी, और शंपा जी भी, आपने जो अभी जिस तरह से कविता को गाया हम सभी लोगों को मजा आ गया। और बहुत ही अच्छी किर हमारे साथ अपने और लोग जुड़े हुए हैं, मसलन कांता शाह जी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपिन शाह जी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो लोग आप सभी लोगों के साथ और उस पूरे परिवेश में, उस आसपास के घर में आते जाते रहे, उन सभी को और तमाम उन लोगों को जो शाह साहब को प्यार करते हैं, उनके लेखन से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, उन सबको यह वक्तव्य निश्चय ही अच्छा लग रहा है। और जो आगे भी देखेंगे वे भी इस लाइव डिस्कशन को पसंद करेंगे। आप दोनों चूंकि संगीत से जुड़े हुए हैं, तो संगीत को लेकर शाह साहब निरंतर अपने लेखन में कुछ ना कुछ विचार करते रहे हैं, कई कई जगहों पर, विभिन्न पात्रों के माध्यम से भी और अन्यत्र भी। तो यहाँ मेरे पास एक पुस्तक है अभी उनके यात्रा वृत्त पर, देश देशांतर, इसमें एक बड़ा प्यारा अध्याय है द्वारका की खोज में। इसमें एक जगह वे संगीत पर बात करते हैं मुकुंद लाठ जी के गायन को सुनकर। हमने मुकुंद लाठ जी पर पूर्व में भी एकाग्र किया है, उसमें भी तमाम लोग आए थे, शाह साहब स्वयं भी उपस्थित थे। तो मुकुंद लाठ जी के गायन पर यह बात करते हुए वे क्रमशः संगीत पर आ जाते हैं। तो मैं वो कुछ एक पंक्तियां यहाँ पर रख रहा हूँ और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को समाप्त कर सकते हैं। रमेश चंद्र शाह जी लिखते हैं संगीत के महत्व को रेखांकित करते हुए, संगीत से ही देवता जागते हैं, संगीत से ही देवता जागते हैं, देवता मनुष्य से बाहर थोड़े ही बसते हैं। वाह वाह, देवता मनुष्य से बाहर थोड़े ही बसते हैं, इतना जरूर लगता है
कि संगीत से केवल देवत्व ही नहीं जागता, संगीत में जो स्वर शक्ति है वह बहुत कुछ और भी जगा सकती है, जो आवश्यक नहीं कि देवत्व ही हो। जी संगीत, जी संगीत अति चेतन भूमिका में भी ले जा सकता है, संगीत अति चेतन भूमिका में भी ले जा सकता है और अब चेतन आकांक्षाओं को भी जगा सकता है। अब मुझे अभी याद आया कि मैं एक दिन, अभी आने के पहले एक दिन अचानक चंपा का फोन आया मुझे कि बाबा बात करना, पापा बात करना चाहते हैं। तो मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि किरण जी ये रोशनारा बेगम का सुन रहा हूँ, मैंने कभी इनका सुना नहीं था, बहुत अच्छा गाती हैं और अब कब जब कभी आए तो हम रोशनारा बेगम को साथ में सुनेंगे, बड़ा आनंद आया। तो निरंतर वो म्यूजिक सुनते रहते हैं शाह साहब। जी चलिए, बहुत बहुत आप दोनों को नमस्कार और शुक्रिया कि आप लोग समय निकाल कर आज हम लोगों के बीच आए, अच्छा लगा। नहीं, ये हमारा प्रिविलेज है और अब हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ जुड़ के और अपनी यादें ताजा करके। जी शुक्रिया, और सभी मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी टिप्पणियां हमें मिल रही हैं। कल हम एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। रमेश चंद्र शाह जी पर यह एकाग्र जारी है। शुक्रिया, नमस्कार।